हो गया जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी है उसे सख्त कर दिया, और तुम जब बाहर जाते थे ना तुम्हारी सीमा इधर आई गंदे, जब बॉर्डर अगर बॉर्डर सख्त कर दिया तो सीमा इधर इनकम टैक्स में नहीं दिखाते, ठीक है, वो दो नंबर में ब्लैक मनी में रखते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग आई थी, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। रेलवे का नाम लेकर दर्द फूटा है, मुंह खराब हो रहा सर, 5-6 हजार की जॉब करने जा रहे हैं, 5 साल से वैकेंसी नहीं आई। कौन कहता है मैं गांधी के साथ हूँ, मैं इस वोट से के दौर में गांधी के साथ हूँ, गांधी के साथ हूँ भाई, गांधी के साथ हूँ। तरफ एक तरफ 5 किलो मुफ्त राशन का डंका पिटता है और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर। अभी ये भाई साहब संविधान के बहुत दुहाई दे रहे थे, मैं बहुत कब तक सरकार के टुकड़ों पे पलोगे? नहीं, एक आत्मनिर्भर बनना है कि नहीं? एक बात बताइए, बीजेपी का 5 किलो राशन राशन है, केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ी दिखती है जो बस का किराया। सही बोल रहे, अच्छा आजकल बीजेपी अच्छा मुफ्त वाली रेवड़ी पार्टी। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, राजनीति से मिली नहीं थी, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था। भगत सिंह, अशफाक, राजगुरु, गांधी, अशफाक, राजगुरु, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल जैसों से, और लाखों माओं ने सीने पे गोली खाई थी, करोड़ों बेटे लटके फंदों पर, आजादी 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 की टोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आपका जो विरोध था सही है, आपका जो विरोध, हाँ, गांधी जिंदाबाद, वोट से मुर्दाबाद, ये बिल्कुल सही है। कौन कहता है मैं गांधी के साथ हूँ, मैं इस वोट से के दौर में गांधी के साथ हूँ, गांधी के साथ हूँ भाई, गांधी के साथ हूँ, कौन नहीं है? जय 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 भीम। क्या भैया, हम तो गांधी को मानते हैं भाई, गांधी को मानते हैं। नहीं, आप गांधी हमारे साथ, मैंने गांधी जी का विरोध नहीं किया, मैंने कब कहा गांधी जी जिंदाबाद, ऐसा कोई बात नहीं है, गोडसे मुर्दाबाद बिल्कुल सही है। जो गलत है इनकी बातों से मैं 101% सहमत हूँ, अभी जो इन्होंने बोला, मैं यही चाह रहा था खाली गांधी को कह दो कि उन्होंने आजाद कराया, जो फांसी पर झूला, कौन बोल रहा है? मैंने अपने शब्दों में वापस लिया, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। हाँ अम्बेडकर लिया, मैंने अम्बेडकर वो कोई बात नहीं हूँ, अभी जो इन्होंने बोला है अम्बेडकर वादी, मैं भी हूँ यार अम्बेडकर जी के लिए, तो मैं बता रहा हूँ, सुन कहाँ रहे हो? अम्बेडकर जाति विशेष बांध के रख दिया, किसने किसने बांधा? ये राजनीति बांधा है, ये राजनीति ने बांधा, बीजेपी खत्म कर देना, तो बीजेपी तो खत्म कर रही है अभी, उम्र में बड़ा जल्दी आपका खून। नहीं नहीं, मेरा खोलता ये है, जब मेरे पास उत्तर होते हैं आप माइक हटा देते हो, बार बार अम्बेडकर जी की बात हो रही है, आप बोले ना अम्बेडकर वादी, अरे अम्बेडकर जी का मैं भी यार, अम्बेडकर जी होते तो मैं उनके पैरों पर अपना माथा पटक देता है, अम्बेडकर जी जैसा महान आदमी, कोई अम्बेडकर वादी हो उसको गले लगाऊंगा मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना, देश में सारे अम्बेडकर, हाँ सुनिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अम्बेडकर जी का अपमान गांधी ने नेहरू ने किया था, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, किताबों में पढ़ा, मैं आपको पहले बोला हूँ नेहरू आप पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, आएगा, मैं क्या बोला, 50 बीघा जमीन अगर मेरे दादा ने बेचा है उसकी दुख बाप भुगतेगा, हम भुगतेंगे, मेरा औलाद भुगतेगी, तो चर्चा होगी। 2 करोड़ सुनिए सुनिए, जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा हुआ था, 9 साल हो गए, 18 करोड़ नौकरियों का प्रमाण है कोई? रोजगार, अब पढ़े लिखे इंसान को तुम रोजगारी तो दोगे या अनपढ़ को भी रोजगार दे दोगे? हैं, पढ़े लिखे को रोजगार दोगे या अनपढ़ को भी दोगे स्किल? अच्छा ठीक है, तुम पे आतोरा ठेला चलाना, तुम पे आतोरा ठेला चलाना, और तुम बोलोगे मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो तुम्हें क्या MBBS डॉक्टर डॉक्टर थोड़ी ना बना देगा? कोई बात बताओ, एक साल भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, एक साल में रेलवे में कितनी वैकेंसी निकली है? 5 साल से रेलवे, नहीं सुनो मेरी बात सुनो, वो देखो 5 साल से वैकेंसी रेलवे की वैकेंसी 2018 में आई थी, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। रेलवे का नाम लेकर दर्द फूटा है बड़ा, बहुत मुंह खराब हो रहा सर, 5-6 हजार की जॉब करने जा रहे हैं, 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, 80 हजार की नौकरी का काम। क्या चाहते हो, कि नौकरी करना चाहते हो फिर अपना काम करना चाहते हो? इंसान को अपना काम करने में जो बेस्ट मजा है ना, वो नौकरी करने में मजा नहीं है। कभी तुम चाय बेचना, पकौड़ा तलना रोजगार होता तो हर बंदा अपने बच्चे को क्यों स्कूल में जाता? हर बंदा कितना चीनी, कितना नमक, कितना ये सब चलना बताता, डिग्री क्यों करवाता? मेरा भी ठेला होता, डिग्री क्यों करवाता? बिजनेस करने के लिए भी पढ़ाई चाहिए, अगर तुम्हारे पास शिक्षा ही नहीं है तो तुम कैसे बिजनेस कर लोगे? अगर तुम्हारे पास शिक्षा ही नहीं है तो तुम कैसे पढ़ाई कर लोगे? क्या भैया, रेलवे की तैयारी, रेलवे की तैयारी है? ये तो है ना, दूसरे को खुद कुछ करना नहीं है, दूसरे पे ब्लेम लगाना है, खुद को रेलवे की तैयारी भैया ना, रेलवे की तैयारी करने तैयारी है ना, अगर तैयारी होती तो ये लगे हुए होते, यहाँ खड़े हुए ना, वैकेंसी नहीं निकली है, कहाँ वैकेंसी नहीं लगना, हमारा मैटर है, लेकिन वैकेंसी ही ना निकलना, ये तो गवर्नमेंट का बात है, तैयारी करके नहीं है, ये अखबार नहीं पढ़ते हैं, अखबार पढ़ेंगे तो वैकेंसी भी मिलेंगी, और जो वैकेंसी वाला हमें भी नहीं मिली, इसीलिए पहले वही सवाल, बेरोजगारी बहुत सारी वैकेंसी रहती है, लोग कमाने को तो 1-2 लाख भी कमा रहे हैं, तैयारी करके कुछ नहीं, अगर आप
पर्सनल इनसे दुश्मन नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंसान को जो चीज में पॉइंट बनाना होता है ना उसको कुछ भी बना देता है। इंसान दूसरे पर उंगली उठाना अच्छे से जानता है, अपने गिरबान पर जाके ना जब समझ में आता घर नहीं चलने का, वो पूरे भारत को संभाल रहा है। यानी जितने रेलवे की वैकेंसी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं सब छोड़ दे। रेलवे की तैयारी में तुम रेलवे के टाइम पे हथौड़ा लेके घूमते थे पहले, हथौड़ा लेके घूमना चाहते हो रोड पे, भाई तुम ऑफिस में जाके बैठो, तुम ऑफिस की नौकरी करो, इसको रेलवे में ही करनी है। सरकारी सेक्टर से अच्छी प्राइवेट सेक्टर में पैसा है, करके देखो ना एक बार। लेकिन मोदी गवर्नमेंट को भी है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच रही है इस टाइम, करेगी क्या? मणिपुर के मुद्दे पे कहां बोल रही है? सुनो, खिस्सा नहीं बिल्ली खंबा नोच रही है, ये खुद खिस्सा है, मैं तो खंबा तो यही नोच रहा है, खिस्सा तो यही है, पांच साल से तैयारी कर, तो ये खंबा ही नोच रही है, करेंगे क्या? ये उसके लिए भी रेलवे रेलवे पकौड़ा। अरे सर, अगर तो एमसीडी प्रशासन नहीं लगाने देगा। लाओ मैं कल से चाय की ठेली और पकौड़ी लगाता हूँ, पुलिस प्रशासन लगाने ही नहीं देगा। वहाँ पे चचा बगल में लगा रहा है, नहीं पैसा जाता है, उनसे पूछिए। चचा वहाँ पे लगा रहे बगल में, कमेटी आकर उठा कर ले जाती है, हर महीने पैसा जाता है बहुत बड़े, इतना कमा नहीं पाते। नहीं नहीं, बेरोजगारी पर बहुत बात हुई, बिल्कुल बेरोजगारी है, मैं इस बेरोजगारी वाले नौजवान का 101% साथ दूंगा मैं, बिल्कुल दे रहा ना। हाँ, बिल्कुल बेरोजगारी है देश में, लेकिन सवाल उठाया ये नवरात्रि का पावन, सिगरेट भी नहीं सब, ये नवरात्रि का पावन हफ्ता चल रहा, नवरात्रि चल रहे हैं सर, जब मीट बंद हो सकता है, चिकन शॉप बंद हो सकती है, तो क्या इस नवरात्रि में भाई शॉप बंद नहीं हो सकती थी? गजब की बात है, यही फंसा चाचा, मैं बता रहा, फंसा नहीं है, हमको कोई फंसा ही नहीं सकता, हमको कोई नहीं फंसा सकता। वाइन शॉप होती है ये, बहुत पैसे वाले लोगों की होती है, बड़े बड़े टेंडर छूटते हैं, नेताजी का कोई मिलतेदार होता है कोई। अब एक बार बताइए, आप नवरात्रि में और सावन में मीट मच्छी जो बंद कर देते हैं, ये मध्यम गरीब लोग होते हैं जो अपना 1500 कमा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं, आप मीट मच्छी बंद कर सकते हैं, वाइन शॉप क्यों नहीं कर सकते? वो गरीब 10-12 दिन, महीना 15 दिन जो चलते हैं, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? वो 1500 कमाता है मछली बेचकर, कोई चिकन बेचकर, कुछ भी जो करता है, तो उसका क्या? तो नवरात्रि में भेदभाव नहीं होना चाहिए सर, भेदभाव है। चाचा ने सवाल उठाया था दारू पर, दारू बंद होनी चाहिए थी नवरात्रों में, ठीक है। रुक जा भैया, रुक जा, मीट नहीं बंद कर दी सरकार, दारू नहीं बंद की सरकार, ये 10 दिन के बंद हो जाने से मीट या दारू इन लोगों की बेरोजगारी हो जाएगी दूर, तो मीट बंद हो सकता दारू, वो सरकार की कमी है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करता, सरकार की कमियाँ है, मैं उसके साथ हूँ। पीछे से बोला चाचा पलट जाए, ये कौन लोग बोला पलट जा, ये लोग कुछ भी बोले, मैं एक बात और बोल रहा हूँ, हर बार ये कहते हैं पलट जा, कोरस में बोलना चाहता पलट, बता रहा हूँ, जब संसद में या विधानसभा में पक्ष और विपक्ष की तनख्वाह बढ़ती है, इनको फ्लैट आवंटन होता है, तब आते हैं कहने के लिए कि नहीं विपक्ष को नहीं लेना चाहिए ये चीज, नहीं खाएगा वो नहीं खाएगा। अब भाई साहब, आपने आपका सवाल ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप लेकिन गवर्नमेंट ने चिकन की दुकान क्यों बंद कर, जिसको नहीं खाने वाला नहीं खाएगा, जिसको नहीं खानी वो नहीं खाए, लेकिन लेकिन बंद क्यों कर रखी है? बस बंद है क्या? बंद है दारू बिहार, यहाँ पे बंद करो ना, दारू बिहार में बंद है क्या? बंद है, बिल्कुल आपत्ति है, नहीं पीता भाई हम तो छोड़ रखे, लेकिन बात ये है ना, सरकार ने सिस्टम ऐसा बना रखा है ना, कि वो हमने सुनी ना डायलॉग, पहले बोला था पहले हराम की आदत डालो, बाद हराम खाने की हराम की आदत डालो, हाँ तो पहले सस्ती दारू बेचो, सबकी आदत डालो, बाद में सारी महंगाई कर दो। जियो 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 भाई, रिवाल का भाई, जैसे कि आपने देखा था जियो वाला, देखा था 55 का रिचार्ज, जा 55 का जियो ने रिचार्ज फ्री दिया, केजरीवाल ने दारू की बोतल बेक पे, भाई यही तो हो रहा है। अब भाई जो मोदी के सपोर्टर हैं, इनसे ये पूछ रहे पांच काम कौन से बढ़िया करे हैं, पांच काम जो ही बढ़िया करे हो, यहाँ नहीं पूछ रहे, क्या काम, मतलब क्या गलत करा है, पांच काम मोदी जी का पूछ रहा है। बताओ, तुम्हारे घर में सिलेंडर नहीं है, तुम्हारे घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं है, ठीक है, तुम्हारे घर में राशन नहीं आ रहा, तो भाई पैसे नहीं आ रहे क्या, दोगे नहीं क्या फ्री में? अब क्या चाहते हो, फ्री में मिलेगा क्या? हमारी जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी है, तीन काम कर दिया, चौथा हो गया जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी है उसे सतर्क कर दिया, और तुम जब बाहर जाते थे ना, तुम्हारी बॉर्डर सतर्क कर दिया तो सीमा इधर आई कैसे? ये सही, बिना भैया पासवर्ड के भाई, फौजी शहीद हुआ है, उसकी शहादत कैसे दी गई है? जब बॉर्डर जितने, ये बात सही है, अगर बॉर्डर सुरक्षित है तो सीमा इधर एक औरत कैसे घुस? सीमा इधर नेपाल से आई है, वो नेपाल से। अरे इन्हें ये पता है, मोदी जी चावल दे रहे खाने फ्री में, गैस सिलेंडर दिया, लैट्रिन बाथरूम दे दी, भैया बोल रहे पैसे दे रहे हैं, भाई सीधी सी बात है, पलट रहे हो भैया बोल रहे पैसे। आपने पहले शुरुआत में क्या बोला था कि मोदी जी ने शौचालय दिया है, बोला है भाई साहब बंदा खाएगा नहीं तो शौचालय करेगा क्या? नहीं, ये बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ आपके, भाई बहन बेटियों आपको भी इज्जत छुपाने का मौका दिया मोदी जी, नहीं किसी सरकार ने नहीं, मैं ये भी भाई साहब एक बात, खाएंगे नहीं तो करेंगे क्या?
भाई वो इंडिया गरीबी में टॉप फाइव पर है। पाकिस्तान में तो भिखारी है, फिर पाकिस्तान में भिखारी नहीं है, फिर पाकिस्तान के भिखारी नहीं है, फिर पाकिस्तान की नहीं करनी। पाकिस्तान हमसे अच्छा, अरे हमसे तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं भैया, बता तो रहा गरीबी में हमसे अच्छा। अरे गरीबी में नहीं, गरीब है वो तो, गरीब भुखमरी में अमीर बता रहे हैं, भी अच्छा हो गया, 11 नंबर पे, मतलब हम भुखमरी में चल रहे हैं पाकिस्तान से नीचे। ये भैया इनके कपड़े देखो, कपड़े फटे पहन रखे इन्होंने, जो इनके पास पैसे भी नहीं है, अब ये रोड पे भीख भी मांग रहे हैं। ग्लोबल हंडी ये रिपोर्ट है, हम बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे चले गए। इन इन इनसे पूछो तो सही, कहां से चले गए मुझे तो बताओ, रिपोर्ट हमने देखी। फिर क्यों आते हैं लोग? एक सेकंड, तो ये रिपोर्ट है ना, बहुत सारे लोग अपनी इनकम टैक्स में नहीं दिखाते, ठीक है, वो दो नंबर में ब्लैक मनी में रखते हैं, तो वो इसलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही सीक्रेट तरीके। मोदी जी ने कहा था सारे काले धन वापस लाऊंगा, क्या हो गया? तो कोई धन नहीं, चोर लोगों से निकाल लेगा कोई, चोर चोरी करके ये थोड़ी क्या देगा, मैंने चोर है कहा, चोर ये सब चोरियां, 500 का नोट दुबका के रख देंगे, पेटीएम वेटीएम। मोदी जी से नहीं निकाला गया? मोदी जी से सारा लोन बताओ, मोदी जी के पास कितना पैसा ला कर निकाल तो दिया, सबके पास तो निकाल दिया सारा, मैडम ने कहा क्यों नहीं निकाल, गरीब सारा निकाल रहे हैं टैक्स, सब निकाल रहे हैं, घर का ही हो तो क्या ही है। अरे काला धन लेके आए तो फिर गया कहाँ? गया कहाँ? काला धन लेके आए ना तो फिर गया कहाँ?